हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नसरीन सबाना। कैसे हो आप लोग? आज का जो वीडियो है वो बहुत ख़ास है एंड थैंक यू सो मच आप सबको जिन्होंने भी अपना हक अदा किया। तो आप लोगों को पता ही होगा, रिसेंटली कुछ दिनों पहले मैंने मस्जिद की शहादत वाली वीडियो डाली थी, तो उसमें मैंने कहा भी था अगर आप लोग अपना हिस्सा देना चाहते हो नेकी में देरी कैसे तो आप दे सकते हो। तो मुझे काफ़ी लोगों ने भेजा है, तो उनका जितना भी मुझे मिला था, जो भी मिला था, वो मैंने बिल्कुल सही जगह पे पहुंचा दिया है। तो वो वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगा। वीडियो बनाने का रीज़न बस इतना है कि आप सबका जो भी था वो सब मैंने पहुंचा दिया। पता है आप लोगों ने प्रूफ नहीं मांगा था, बट ये ज़रूरी है कि आप लोगों को पता चले। और हाँ, ये जो वीडियो मैंने डाला था इसमें मेरे एक फ्रेंड ने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की थी, क्योंकि उसी ने वीडियो एडिट बना के वगैरह दिया था, तभी जाके मैंने वो वीडियो डाला था। तो उसको भी क्रेडिट देना ज़रूरी है। तो उसका नाम है सोनू अहमद, तो उसने बना के मुझे भेजा था, तब मैंने डाला। तो अभी आप आगे सुन लो, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। ठीक नहीं है। अब ये देखिए माशाल्लाह, ये लोग यूट्यूब में छोड़ा था और मैंने इन लोग से कहा था कि भाई यूट्यूब में आप मस्जिद की शहादत का जिक्र कर रहे हैं, है ना। देखो आज जो माहौल है ऐसी मस्जिद को अस्तगफुरुल्लाह के दौड़ रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, ऐसी कोरोना नहीं है। जब कहीं यूट्यूब में छोड़े तो आप उसमें लिखें कि नूरी जामे मस्जिद हाँसी मारा कि आप शहादत के बाद बस से लेकर तामीर कर रहा है सुभान अल्लाह। इन लोगों ने यूट्यूब में छोड़ा था और एक बच्ची है उसका नाम है सवाना, सवाना नसरीन, जो साबिर शेख की बेटी है ना, शब्बीर शेख की बेटी लड़की है। इन लोगों ने यूट्यूब में छोड़ा था तो इन लोगों के माध्यम से, इन लोगों के वसीले से अब देखिए माशाल्लाह, जिन लोगों ने देखा कि तामीर मस्जिद में कुछ देना है और नूरी जामे मस्जिद हाँसी मारा भी शहीद हो गई है, तो इन लोगों के यूट्यूब के जरिए से जो इन लोगों के खाते में पैसा दिया है, देखिए माशाल्लाह सबके लिए दुआ करते हैं अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है इन लोगों को शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह के साए में जिंदगी नसीब अता फरमाए, सबों को रसूलुल्लाह की गुलामी में जिंदगी अता फरमाए। ये आरिफ मंसूरी है, ये आरिफ मंसूरी है जो गुजरात के रहने वाले, उन्होंने 1000 रुपये तामीर मस्जिद में दिया है। ये अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए गुजरात वाले को, उनके कारोबार रोजी रिस्क में बरकत रहमती अता फरमाए। ऐसे एक जनाब साकिर है, 1000 रुपये उन्होंने राजस्थान से पहुँचाया है सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए अभी काम की शुरुआत है और अल्हम्दुलिल्लाह बाहर के चंदे, अल्लाह जिसे तौफीक दे सुभानअल्लाह। और एक एहसान अंसारी है, उन्होंने 100 रुपये तामीर मस्जिद में दिया है, रांची के रहने वाले हैं माशाअल्लाह। ये रबीउल इस्लाम साहब है जो 100 रुपये उन्होंने आसाम से पहुँचाया है सुभानअल्लाह, देखिए माशाअल्लाह। और एक ये है सुफिया सुफियान साहब, 100 रुपये इन्होंने भी गुजरात से पहुंचाया है। और एक ये है ताहिर साहब, जो 100 रुपये उन्होंने गुजरात से पहुंचाया है। इसी तरीके से एक तौफीक है जनाब तौफीक साहब, 100 रुपये उन्होंने गुजरात से पहुंचाया माशाल्लाह। और एक है अशरफ साहब, उन्होंने 300 रुपये गुजरात से पहुँचाए सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। अल्लाह ताला इन सब के ऊपर में बरकत रहमती अता फरमाए। ये शब्बीर शेख की बेटी जो है सवाना और हमारे नीचे लाइन जनाब जमील अख्तर साहब का बेटा सोनू, अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों को तो आया है। ये पैसा पूरे 2800 रुपये हुए हैं इन्होंने तामीर मस्जिद में बाहर वालों ने दिया सुभानअल्लाह, जिन लोगों का मैंने जिक्र किया है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला उन लोगों के मकसदों में कामयाबी कामरानी नसीब अता फरमाए, उन लोगों के जान माल ईमान इस्तेमालों की हिफाजत अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इन लोगों के कारोबार में मकान दुकान ऑफिस में खैर बरकतों का नसूल अता फरमाए सुभानअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह के घर की जब तामीर होती है तो हम सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मस्जिद मदरसे का काम कभी रुकता नहीं है सुभानअल्लाह। सो गाइज़, आप लोगों ने देख लिया, तो जो भी दुआ मांगी गई है उसमें आमीन ज़रूर कहिएगा। और सबके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जिन्होंने भी हक अदा किया या जो लोग चाहते हैं या फिर दुनिया में जितने भी लोग हैं सब की दुआएं पूरी हो। तो आप लोग ज़रूर से, अगर आप लोग चाहते हो अपनी तरफ से, अगर आप लोग भी मस्जिद के लिए कुछ हिस्सा देना चाहते हो तो ज़रूर से दीजिएगा। मैं अपना जो अकाउंट नंबर है ना वो डाल दूँगी। बस शर्त इतनी है कि आप अपना नाम ज़रूर बताइएगा मुझे इंस्टाग्राम पर। आप इंस्टाग्राम पर मुझे कमेंट कर सकते हो वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो जो है ये मैं
मैं इंस्टाग्राम पे भी बेशक डालने ही वाली हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे भी ये वीडियो डालूँगी ही। तो वीडियो को मैं इंस्टाग्राम पे डालूँगी ही, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी कमेंट करके बता देना अगर किसी को भी अपना तरफ से देना है कुछ भी, तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर है वो डाल दूँगी, और अपना नाम ज़रूर बताना ताकि मैं वहाँ मस्जिद में जा कर के आपका नाम के साथ रसीद कटवा पाऊँ। तो और ये जो था ये जुमा की वीडियो थी, आज मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो आप लोगों को मिल गया होगा, आप लोगों ने देख लिया। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप देना चाहो तो एक बार मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पे कमेंट करना या मैसेज करना, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एक बार कमेंट कर देना कि मेरा मैसेज चेक कर लो, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर चेक करूँगी और ज़रूर आप लोगों से बात करूँगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।